Hello, brilliant students. How are you? Hope so that you are all healthy and remain healthy in future also. Take care of your health. Take care of your mind. Take care of your life. अब हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास के लिए एक्सरसाइज 8.2 थर्ड क्वेश्चन. इसमें क्या गिवन है हमें कि पहले वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमें दे रखा था क्वाड्रिलेटरल, फिर कुछ और. अभी इसके अंदर क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है. ओके, और हमें प्रूव करना है कि ये जो इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक रोम्बस है. ओके, तो देखिए हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी जे रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है. पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट्स है ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. पी क्यू आर एस, और हमें प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, यानी कि पी क्यू इजल टू क्यू आर इजल टू आर एस इजल टू एस पी, चारों साइडें इसकी इक्वल है. तो हम प्रूफ करते हैं. हमने क्या किया, ए सी को ज्वाइन कर दिया. अब वही मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प लेंगे और फिर हम इसको प्रूव करेंगे. लेट अस डू दिस. सॉरी, हाँ, ए बी सी डी हमें क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल गिवन है. तो हम क्या करेंगे, बिकॉज इन ट्रायंगल ए सी बी, या फिर ए बी सी कह सकते हैं हम इसको, ए सी बी, ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ए बी एंड बी सी. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी. ये इसके पैरेलल हो जाएगी और जो ये पी क्यू है ये ए सी की हाफ होगी मिड पॉइंट थ्योरम से. सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी डी जो एस आर है वो होगी हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर पैरेलल होगी ए सी के. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में हम इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे. इसको नाम दिया जाए वन, इसको टू. तो फ्रॉम वन एंड टू क्या हुआ, पी क्यू इक्वल हुई एस आर के, क्योंकि देखिए ये पी क्यू है इसकी आधी है और एस आर भी इसकी आधी है. तो जब ये दोनों ही इसके आधी है तो ये दोनों इक्वल हुए. क्लियर हो रहा है, तो जिसकी वजह से पी क्यू इजल टू एस आर हुई. ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे. और पी क्यू ए सी के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल हुई. एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल. सो इसकी वजह से क्या होगा, फिर ऑब्वियसली पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. पी क्यू आर एस हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था. अब हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है, यानी कि सारी साइडें इसकी इक्वल है. तो मुझे ये परमिट होना पड़ेगा. लेट मी रब दिस. अब देखिए हम लेंगे ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये वाला होगा और एक ट्रायंगल हम लेंगे ये वाला. ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं. इन ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल आर सी क्यू,
ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम, देखिए पी बी इक्वल होगी आर सी के, क्यों, हाफ ऑफ इक्वल्स, ये जो ए बी और सी डी इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो ये हाफ ऑफ इक्वल्स मैंने लिखा है। नेक्स्ट है बी क्यू इक्वल होगी बी क्यू क्यू सी के इक्वल होगी, क्यों भला, क्यू इज द मिड पॉइंट किसका, ऑफ बी सी। और ये देखिए क्योंकि ये एक रेक्टेंगल गिवन था हमें, है ना, यहाँ हम गिवन में ये लिख देते हैं कोई भी एक एंगल, ये एंगल वन लिख देता हूँ मैं, एंगल वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये टू हो गया, ये क्या हुआ 90 डिग्री, ये इक्वल हो गए। तो देखिए दो साइड है, ये साइड और ये साइड इनके बीच का एंगल, ये साइड और ये साइड इनके बीच के एंगल के इक्वल आ रहा है दो ट्रायंगलों के अंदर, ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल पी बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स निकालते हैं, हमारा वही मेथड रहेगा, बहुत ही आसान है। हमने ये दोनों पेयर लिए, इसमें दोनों में आ रहा है बी, इसमें दोनों में आ रहा है सी, बचा हुआ पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, बचा हुआ यहाँ पे क्यू क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पी का कॉरस्पॉन्डिंग हुआ आर, बी का कॉरस्पॉन्डिंग हुआ सी, एंड क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग हुआ क्यू आर सी क्यू, बाई चांस वैसा ही आ गया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि भी जब यहाँ लिखेंगे वही यहाँ आएगा, ये हमें तरीके से ही करना होगा। तो अब ऐसा होने की वजह से क्या हुआ कि जो ये पी क्यू है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, इसके फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंटों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, क्यों भला, रीजन लिखेंगे बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब आप ये देखिए कि जो ये पी क्यू है ये तो हमने एस आर के इक्वल किया था, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, तो जिसकी वजह से हमारे ये दोनों और साथ में ये तीनों इक्वल हो गए, लेकिन जो एस आर जो आर क्यू था वो हमने प्रूव कर दिया था किसके भला, आर क्यू एस पी के, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव किया था ना हमने, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, जिसकी वजह से ये तीन तो इक्वल हो गए थे, अब एस आर आर क्यू एस पी के इक्वल हो तो ये भी इक्वल हो गया, तो ये चारों के चारों इक्वल हो गए, हैंस क्या हुआ, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी, हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, रोम्बस में ऐसा होता है सारी साइडें इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट्स, This way we have completed this question. In next video, we will do next question, fourth question. Thank you for watching your own video. Have a great time.